हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम भी ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्णा जी करें कि इस जन्माष्टमी आपके दुख जीवन के सारे दुख दर्द को मिटा दें और आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली भर दें। तो दोस्तों, आज है 6 सितंबर और मतलब कि आज भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है। वैसे 90% जन्माष्टमी कल ही मनाई जाएगी 7 सितंबर को। तो हम लोग जन्माष्टमी कल मनाने वाले हैं। तो दोस्तों, जन्माष्टमी पर बहुत ही अच्छा ब्लॉग और बहुत ही कृष्णा जी की बहुत ही प्यारी दिल से मैं लेकर आने वाली हूँ अपनी बेटी के ऊपर। तो मैं अपनी बेटी को कल कृष्णा जी को कृष्णा मतलब अपनी बेटी को कृष्णा जी बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने सारे सामान अपने हस्बैंड को बोल दिए लिया है। तो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे तो मेरा मन था इस बार जन्माष्टमी पर कृष्णा जी के दर्शन करने को, बट तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बेटी अभी छोटी सी है और ना जन्माष्टमी इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर गई थी तो मैं आप लोगों को दिखाया भी था, इतनी दोस्तों भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब वहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और इस बार तो हम लोग गाँव पर हैं तो हम लोगों को जाने पर भी टाइम लगेगा और इस वजह से थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो पाएगा। तो मैंने सोचा लो कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद कृष्णा जी के दर्शन कर आएंगे। तो ऐसे मेरा जाने का आज प्लानिंग था, राधा रानी के दर्शन करने, फिर अचानक से कैंसिल हो गया। पापा जी के पास में हम लोग जाने वाले थे तो पापा जी हमारे यहीं पास आने में रहते हैं, तो फिर अचानक से कैंसिल हो गया। बाकी कोशिश करूँगी कि मैं 2-4 दिन बाद कृष्णा जी के दर्शन कराऊँ, क्योंकि जब से मेरी बेटी हुई है मैं कृष्णा जी के दर्शन नहीं कर पाई हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा मन है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए किस किस की जन्माष्टमी मतलब बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही बेहतरीन बनने वाली है। तो और आप में से कौन कौन से लोग जो कल के दिन व्रत रखते हैं? तो हमारे घर में कल के दिन सारे लोग व्रत रखते हैं, मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड, फिर मैं भी थी नेक्स्ट ईयर, बट इस बार का मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरी बेटी फीडिंग करती है। और दोस्तों, मुझे आप लोगों को एक गुड न्यूज और देना है। तो ये ब्लॉग को एंड करके मैं जब नेक्स्ट बार ब्लॉग बनाऊँगी तो मतलब कि मैं वो खुशखबरी आप लोगों को दूँगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, आप लोग सुन के मतलब ऐसी खुशखबरी आप लोग सुन के शॉक्ड हो जाएंगे। इवन मैंने भी जब सुना था, जब से ना मेरे तो होश ही उड़े हुए हैं। मतलब मुझे ऐसा एक मन करता है मैं ना शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ में, फिर एक मन करता है यार नहीं शेयर करूँ, फिर मन करता है चलो कोई बात नहीं यार, आज नहीं कल तो पता लग ही जाएगा आप लोगों को। तो इससे अच्छा है कि मैं पहले ही आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। तो मैं बहुत ही जल्द न्यू ब्लॉग बनाऊँगी, आज नहीं कल तो नहीं बना पाऊँ, बट परसों शायद हो सकता है मैं ये ब्लॉग शूट कर लूँ खुशखबरी वाला। और मतलब मैंने अपने घर वालों को भी अभी तक किसी को नहीं बताया है, तो हस्बैंड को पता है, सासू माँ को पता है, इसके अलावा किसी को भी नहीं पता है, तो मैंने मायके में किसी को भी नहीं पता है। तो आप लोग गेस करिए ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो मतलब ससुराल वालों को पता है और मायके वालों को नहीं पता है, कमेंट करके बताइए। बाकी क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा भी ना मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब सी चल रही है और देख सकते हैं मेरी हालत क्या बनी हुई है इस टाइम पर। एक तो दोस्तों गर्मियों में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब हालत गंभीर ज़्यादा मेरी रहती है। तो दोस्तों अभी हो रहे हैं शाम अभी होने वाली है 5 बजे, 4:30 बजने वाले हैं, अभी 5 मिनट बाकी है 4:30 बजने में। तो दोस्तों मतलब समथिंग काफ़ी दिन हो गए दोस्तों, मैं मतलब ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाती हूँ ना, शॉर्ट वीडियो भी नहीं बना पाती। ब्लॉगिंग करना तो बहुत दूर की बात है क्योंकि सारा दिन बेटी के कामों में इतना ज़्यादा उलझी रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो उसमें लगता है यार, उसमें इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि यार मतलब ऐसा लगता है कि अब रेस्ट कर लूँ अब वीडियो, फिर मतलब सुबह सोचूँगी दोपहर में बना लूँगी, दोपहर होगी तो लगेगा शाम में बना लूँगी, शाम होगी तो लगेगा जब रात में बेटी सो जाएगी तब बना, और रात में इतनी जोर की नींद आती है कि यार फिर वीडियो वगैरह सारे लगता है साइड में रख दो सो जाओ, फिर नहीं होता। बट दोस्तों बहुत हो गई मटर गस्ती, अब मैंने सोच लिया यार लाइफ में कुछ करना है। तो मतलब देखो कहते हैं ना हमारे पास और कोई इनकम का सोर्स नहीं है और कोई मतलब घर के बाहर में जा नहीं सकती हूँ बेटी को लेकर, तो मैंने सोचा यार कोई बात नहीं थोड़ा सा स्ट्रगल करके अभी इस टाइम थोड़ा सा मेहनत कर लूँगी। तो कहते हैं ना मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो बाकी मैंने आज थोड़ा सा रील्स वगैरह शूट किए थे, आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मोनिका जाट चौधरी, आप लोग सर्च करेंगे तो टॉप पे मेरा ही नाम आता है क्योंकि इस नाम से फिर मेरी आईडी बनी है मोनिका जाट चौधरी से। दोस्तों आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, और दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और दोस्तों मतलब जो भी गलतियाँ होती हैं मुझसे वो बताएं कि यहाँ पे मैं ये मिस्टेक कर रही हूँ, और आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए वो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं।
तो मैं उसी टाइप के वीडियोस, जिस टाइप के भी मतलब वीडियोस आपको पसंद आते हैं, जैसे कि मेरी बेटी से रिलेटेड वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। कॉमेडी वीडियो पसंद है तो, डांस वीडियो पसंद है तो, या मोटिवेशनल, आप कोई भी मतलब कोई भी कैटेगरी बता सकते हैं, मैं उस टाइप पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगी। बाकी दोस्तों कोशिश तो मेरी यही रहती है मैं बेस्ट करूँ, बट मैं बेस्ट कर नहीं पाती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ना, जब भी बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ ना तो कुछ ना कुछ बीच में रोड़ा अड़ जाता है। कभी मेरी तबीयत खराब रहती है, कभी घर में कोई प्रॉब्लम आती है, कभी बेटी में बेटी की तबीयत खराब रहती है तो कर नहीं पाती हूँ बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो मतलब यार ऐसा लगता है ना, बहुत दुख होती है, मतलब एक साथ लगता है चुप बैठ के रो लूँ, कभी कभी तो मतलब रोने भी लगती हूँ कि भगवान जी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं मेरी। बट कोई बात नहीं यार, कहते हैं ना कि अगर रात हुई है तो सवेरा भी होगा, रात मतलब रात होगी तो ऐसा नहीं है कि रात सोचेगी उजाला नहीं होने देगी, रात हुई है तो उजाला भी होगा, सुबह भी होगी। तो सारी चीज़ें, बाकी आपको निराश नहीं होना ज़िंदगी में, क्या बोलूँ यार मेरी कटकी कंडीशन है जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता होती है। बाकी बस आप लोगों से इतना ही बोलूँगी, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे कल, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे वीडियो को प्यार देंगे, और मैं जा रही हूँ तैयारियाँ करने कल कृष्णा जन्माष्टमी की। तो आप सभी को फिर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।